हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों, हम आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन। ये उमर भाई को छोड़ने आया हूँ यार रेलवे स्टेशन बैठाने के लिए। अभी ट्रेन थोड़ा लेट है तो हमने सोचा ब्लॉग शूट कर लूँ, दिखा दूँ आज मिर्ज़ापुर का कैसा स्टेशन है, कितना बड़े में बनाया गया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, पैदल हैं, देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का वो है। स्टेशन जस्ट पास में है, आ रहा है तो चल के आप लोग को स्टेशन भी दिखाऊंगा, कहाँ बेड आउट टिकट वाले बैठते हैं और कहाँ टिकट वाले अपना कब्जा जमाते हैं। तो हम लोग आज मैं टिकट लेने वाला हूँ। तो ये भाई साहब बोले हैं टिकट लेने वाला हूँ यार। मैं टिकट लेता नहीं, लेकिन टिकट लेने का ये मकसद है कि भाई आपको दिखाना है कि जिम्मेदार नागरिक बनिए। यस हाँ भाई, जहाँ भी सफ़र करो यार सब टिकट लेके करो यार, ताकि डर ना बना। डर ये बना रहता है यार, टिकट नहीं लिए रहते यार ना, डर ये बना रहता है साला कोई आके पकड़ ना ले टिकी नहीं आ जाए, तो डर ये बना रहता है। और टिकट लिए रहते हैं तो बिंदास कहीं से भी निकल जाते हैं, किसी के सामने चले जाते हैं, कोई किसी के सामने भी निकल जाते हैं। तो ये होता है, बैठ जाते हैं, ये होता है उस कागज़ का अहमियत। और ना लिए रहो तो फटती रहती है। तो जो भी सफ़र करे भाई, अपना टिकट उकट सब सामान ले कर साथ में सफ़र करें, ताकि हम आपको दिखाते हैं टिकट घर। सोचा कि यार स्टेशन थोड़ा घूम लिया जाए मिर्ज़ापुर, काफ़ी दिन हो गया था यहाँ पे आए। तो आज हम उमर भाई को आए थे छोड़ने के लिए, तो हमने सोचा यार चल के आज भी यहाँ पे टूर कर लिया जाए थोड़ा। तो हम लोग चल रहे हैं, अभी गाड़ी का अनाउंस हो रहा है। फिलहाल अभी हमारी जो ट्रेन आने वाली है काफ़ी लेट है, बहुत लेट है, 6 बजे तक आएगी। यस, क्योंकि भाई नाम तो बहुत है मिर्ज़ापुर का, क्योंकि इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बन गई मिर्ज़ापुर। तो भाई 3 भी आने वाला है, पार्ट 3 भी आने वाली है। तो फर्स्ट भाई ऐसा कुछ है नहीं जो यार मिर्ज़ापुर में दिखाया गया है कि इस चीज़ का यहाँ होता था, एक समय था जब होता था यहाँ पे। लेकिन हाँ, ये कालीन और पीतल का यहाँ पे भाई आज तक भी धंधा चल रहा है ये। और ये कट्टा उट्टा जो दिखाया गया था उसमें, इतना गाली ग्लौच ये सब नहीं है भाई, ऐसा फेक है हमको लगता तो है। क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे भाई जाने लायक हैं, ये सब सिस्टम कभी देखे नहीं यहाँ पे। तो भाई ये चीज़ को हम तो नहीं मानते हैं, लोग झूठी चीज़ें दिखाई गई है बहुत ज़्यादा उस मूवी में। देखिए मिर्ज़ापुर के बारे में बात करें, मिर्ज़ापुर को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। यस, क्योंकि ये मूवी मिर्ज़ापुर में शूट भी नहीं होती, जब इसकी शूटिंग होती है बनारस में होती है। yes. या फिर इलाहाबाद में होता है, लेकिन मिर्ज़ापुर में शूटिंग कहीं भी नहीं होती। और ये बात ये है कि मिर्ज़ापुर में हमने यार कभी नहीं देखा शूटिंग। नहीं, बहुत होता है ना, बहुत लोग क्लिप शॉट डाल देते हैं कि ये देखिए मिर्ज़ापुर में आया शूटिंग के लिए। तो मिर्ज़ापुर में अगर शूटिंग होता है तो किसी न किसी को पता चलता है यहाँ पे। लेकिन ये सब बात क्या है, मिर्ज़ापुर का घंटा जैसा घंटा घर दुनिया में कहीं नहीं है। मिर्ज़ापुर के हम लोग गाँव में एक तालाब है, उसके जैसा तालाब पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमने कहीं नहीं देखा। मेरे भाई मिर्ज़ापुर बहुत वाटरफॉल्स हैं, तो ये हम दिखाना बताना चाहते हैं आपको कि मिर्ज़ापुर के बारे में गुमराह ना होइए, आइए मिर्ज़ापुर बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, इस पर घूमिए और देखिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अगर हिस्ट्री लवर हैं आपके लिए ये बेस्ट चैनल है, अगर आप घूमने के भी शौकीन हैं तो आपके लिए भी ये बेस्ट चैनल है। तो भाई हमारे भी चैनल में ट्रैवल टू को भी जाइए। yes. सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। तो प्लानिंग है हम लोग की यहाँ पे कि 365 दिन पूरी ब्लॉगिंग करेंगे, जहाँ जहाँ हिस्टोरिकल प्लेस होगा वहाँ के चल के मैं दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग ऐसे ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहें और लाते रहें। तो थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। तो इतने के लिए बाय बाय।